दिल्ली में कुछ दिन बचे हैं चुनाव होने में और ऐसे में सियासत जो है वो गर्माती जा रही है। हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट से सांसद मनोज तिवारी जी हैं। मनोज तिवारी जी, जिस तरह से सियासत गर्मा रही है, अब अरविंद केजरीवाल ने किरण बेदी को अवसरवादी कह डाला, किस तरह लेते हैं आप? देखिए, सियासत गर्म नहीं, सच पूछिए तो चुनाव का माहौल गर्म हो रहा है, क्योंकि अब किरण बेदी जी की सभाओं में पहले से ज़्यादा भीड़ होने लगी है। पूरी दिल्ली ने उनको हाथों हाथ ले लिया है, तो अब केजरीवाल जी क्या करें, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। आप कुछ पोस्टर पर भी कटाक्ष कर रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ? नहीं, वो जो झूठ फैला रहे हैं ना, उन्होंने पिछले बार भी कहा था कि बिजली बिल हाफ, पानी माफ, ऐसे कहा था। तो जब सरकार बन गई तो सरकार किसी ने गिराया भी नहीं, फिर भी वो 49 दिन में फरार। तो मैं बोलता हूँ लिखो, लेकिन उसके साथ तीसरी लाइन भी लिखो कि बिजली बिल हाफ, पानी माफ, 49 दिन में सरकार साफ। ऐसे में सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि बीजेपी की तरफ से सारे मंत्री जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, खुद नरेंद्र मोदी चुनावी मैदान में हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल अकेले हैं और फिर भी देश की जनता का भरोसा जीत रहे हैं। ये आपको किसने कह दिया कि सारे मंत्री और सब लोग सब अपने काम में लगे हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी के लिए हम अकेले काफी हैं, बाकी लोग हमारे अभी रिजर्व में रखे हुए हैं। तो ये थे हमारे साथ मनोज तिवारी, जिनका साफ तौर से कहना है कि अरविंद केजरीवाल के लिए हम अकेले काफी हैं और बाकी लोगों को वो रिजर्व में रखे हुए हैं। देखना होगा कि आगे वो किसको चुनावी मैदान में उतारने वाले हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ शगुफी खान, मुंसिफ टीवी, दिल्ली।